हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज मैं जो बात करने वाला हूँ फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 शॉर्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप परेशान ना हो, मैं आपको पूरी पूरी प्रिपेयरिंग इसी चैनल पर करवाने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ की, वो भी स्टूडेंट 90+ की। हाँ स्टूडेंट, 90+ आपके आएंगे, बस आप वीडियो को क्लियर देखा करिए और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश किया करिए। और यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जरूर कमेंट किया करिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आज जो क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ वो है हमारा क्वेश्चन, पहला धारा घनत्व जे की परिभाषा लिखिए। धारा घनत्व जे की परिभाषा, कभी कभी स्टूडेंट ये एक या एक नंबर पे पूछ लेता है, और अगर दो नंबर पे पूछता है तो इसके साथ इसी का एक न्यूमेरिकल दे देता है। तो मान लीजिए आ गए आपके पेपर में धारा घनत्व जे का, जे की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए धारा घनत्व जे का फार्मूला जो होता है I/A, जे बराबर एक फार्मूला होता है I/A। बस आप इसको लर्न कर लीजिए, आपको कुछ नहीं लर्न करना, ना मात्रक और ना ही इसकी डेफिनेशन, में सारा कुछ इसी फार्मूले से क्लियर करवा देता हूँ। अब मैं एक बात आपको बता दूं, जे हो गया हमारा धारा घनत्व, ये तो आपको पता ही है कि जे हमारा क्या हो गया, धारा घनत्व। अब आपको ये भी पता है कि ए जो होता है एरिया, ये क्या होता है स्टूडेंट, एरिया अर्थात क्षेत्रफल। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए धारा, ये आई हमारी क्या होती है, धारा। तो अब इतनी बातें यदि आपको क्लियर हो जाए कि हमारा जे क्या है, ए क्या है और धारा घनत्व, तो जे इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो बस आपकी डेफिनेशन ही है। मान लो ये क्या है स्टूडेंट, डेफिनेशन ही है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब कभी आपको इस प्रकार का फार्मूला गिवेन हो और आप इस फार्मूले से परिभाषा निकालना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे मस्ट जो मेथड है वो ये क्या करना होता है आपको, ए इक्वल टू एक वैल्यू रख देनी होती है 1, नीचे वाले हर का जो मान है उसको कर देना होता है 1, यानी कि जब एक मान रख देते हैं आप तो वो वैल्यू हो जाती है एकांक। क्या वैल्यू हो जाती है फिजिक्स की भाषा में, एकांक। तो आप कहेंगे एकांक क्षेत्रफल में, क्या कहेंगे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसको एकांक कर दिया मैंने क्षेत्रफल को, तो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। आपको क्या कहना है, मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि एकांक क्षेत्रफल में, मान लीजिए 1 मीटर लंबा इतना क्षेत्रफल है, क्या स्टूडेंट 1 मीटर लंबा क्षेत्रफल है। अब इसमें मान लीजिए धारा बह रही है, ये जो धारा स्टूडेंट एकांक क्षेत्रफल में बह रही, बाहर ना निकले, ये बाहर ना निकले, यदि 1 मीटर का यानी कि एकांक क्षेत्रफल इतने के अंदर है, तो इतने के अंदर ही जो धारा बह रही है इसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व तो जे कहते हैं। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि समझ में आपके आ गया होगा, जे इक्वल टू क्या होता है I/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल को, एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। अब इसी परिभाषा को मैं इधर पे लिख लेता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो यही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखिए आप, मैंने आपको क्या समझाया था, एकांक, एक मान मैंने क्या कर लिया था, एकांक, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है एकांक, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आपको पता है कि जो धारा होती है वो किसी चालक या फिर तार पर ही बहती है, तो किसी भी परिभाषा को इस प्रकार निकालने से पहले आपको लिखना पड़ता है किसी चालक पर एकांक क्षेत्रफल में, यहाँ पे मैंने कर लिया एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहना है, इसमें जो एकांक क्षेत्रफल है उसमें जो धारा बहेगी, बहने वाली धारा को धारा घनत्व तो कहते हैं, धारा घनत्व तो ये होता है हमारा धारा घनत्व तो कहते हैं, इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, किसी चालक पर, वो मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला, आप समझ लीजिए, किसी चालक पर क्षेत्रफल, किसी चालक पर क्षेत्रफल तथा बहने वाली धारा के अनुपात को, क्योंकि जो हमारा बटा का साइन होता है इसको हम बोलते हैं अनुपात, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात। तो क्षेत्र, किसी चालक के क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट धारा घनत्व की परिभाषा 100% आपको क्लियर हो गई होगी, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी संकेत मिटा दिए, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए एंड मात्रक लिखिए तथा फार्मूला
एंड उसका संकेत भी लिखिए। तो संकेत मतलब इनके जो जो है जैसे जे धारा गण, तो मैंने यहाँ पे अभी भी लिखा था। अब इधर मात्रक निकाल दे रहा हूं मैं, तो मात्रक को आपको पता है कि आई का एम्पियर जो आई का जो मात्रक होता है एम्पियर एम्पियर, और इसका जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया मीटर स्क्वायर, तो यहां पर हमारा मात्रक हो जाने वाला है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा जो मात्रक होगा वो निकल कर आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आशा करता हूं स्टूडेंट ये धारा घनत्व जो है आपको बेसिक से कंप्लीट हो गया होगा। तो यहां पर आज का अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध रो की परिभाषा लिखिए। कहेगी स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध रो की, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी की भी आपको परिभाषा निकालनी होती है 60 क्वेश्चन पे, तो आपको इसके जैसे रो की परिभाषा निकालनी है तो आपको रो का फार्मूला पता होना चाहिए। तो रो के तो बहुत फार्मूले होते हैं स्टूडेंट, रो का एक फार्मूला होता है आर ए अपान एल, होता है कि नहीं होता, बट हमें ऐसा ही फार्मूला चूज करना होता है 3 अंक का जिससे परिभाषा आसानी से निकल आती है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा को सिंपल से निकाल दे रहा हूँ, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पर मैं कहने क्या वाला हूँ सिंपल सा, आप ये ख्याल रखें कि जे हमारा है धारा घनत्व, जे हमारा क्या है धारा घनत्व, और रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, और ई को तो आप आसानी से समझ चुके होंगे चैप्टर वन से बताता चला रहा हूँ कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब किसी चालक पर, हमें सबसे पहले कहना होता है किसी चालक पर, तो मैंने कह दिया किसी चालक पर धारा घनत्व, ये नीचे वाला क्या है धारा घनत्व, मैं इसे बटे वाली परिभाषा जैसे सेकंड बताई थी आपको वो इस वाले बताने वाला हूँ लिख के विद लिख के, इसे हम कहते हैं अनुपात। तो धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं स्टूडेंट। अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया बताइए, इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है ये पता है, धारा घनत्व जे होता है पता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है पता है। अब मैंने आपको ये बता दिया सबसे पहले आपको कहना होता है किसी चालक पर, फिर इसके बाद हर वाला जो होता है उसे कहते हैं, तो हर वाले को हम कहेंगे धारा घनत्व। तो किसी चालक पर धारा घनत्व, अब ऊपर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो बटा का साइन होता है इसे अनुपात कहते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, अगर यदि ये समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये हमें समझ में आया अथवा नहीं आया, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। यार आप कमेंट करके मुझे ये नहीं बताते कि सर ये ठीक है ये समझ में आता है अथवा नहीं आता, बस आप वीडियो पूरी भी नहीं देखते और छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह में देखिए तो पूरी देखिए वरना क्लिक ही मत करिए। तो बस स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपसे यही धारा घनत्व की परिभाषा लिख लेता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिख ली है, वही मैंने लिखा है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बता चुका था कि आपको चालक जरूर लिखना होता है, क्योंकि चालक पर ही हमारी क्या होता है स्टूडेंट, चालक पर ही हमारा फ्लो होती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिख लिया है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए तथा सूत्र लिखिए और उसके संकेत लिखिए। तो सूत्र लिख दिया मैंने, परिभाषा लिख दिया मैंने, यहाँ पर संकेत भी लिख दिया मैंने। तो मैंने वही आपको समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ, एक बार कोशिश कर चुका हूँ। तो यहाँ पर धारा घनत्व जे, तो धारा घन किसी चालक पर, ये तो हमको लिखना होता है, तो किसी चालक पर धारा घनत्व तथा ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्या है अनुपात, तो अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आगे आप बढ़ा सकते हैं इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, आगे की परिभाषा हो जाएगी। अब इसका जो स्टूडेंट मात्रक होगा, तो आपको पता ही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिख लें और धारा घनत्व जे का मात्रक लिख लें, इसका मात्रक निकल कर आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होता है स्टूडेंट न्यूटन प्रति कूलाम। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि इसका जो धारा घनत्व जे है इसका फार्मूला होता है आई अपान ए, तो आई यानी कि आई का मात्रक होता है एम्पियर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इसे करेंगे तो न्यूटन बटे कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर अपान में ए, यानी कि इसका मात्रक निकल कर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्षेत्रफल यानी कि ए या फिर कूलाम इनटू में ए,
ये हमारा एक मात्रक इसका निकल के आ जाएगा, दिखना रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम इंटू में ए, ये हमारा एक मात्रक इसका निकल कर आ जाएगा, यानी कि इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। इसका मस्ट मात्रक जो होता है ओम मीटर। ये भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको पता है कि इसका एक फार्मूला होता है रो इक्वल टू, आपको मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपको पता है कि रो इक्वल टू एक फार्मूला होता है आर ए अपान एल। मैंने आपको एक बात बताई कि जितने फार्मूले होंगे उतने ही मात्रक निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप रो का मात्रक जानते हैं क्या होता है, यहाँ रो का मात्रक होता है ओम, होता है कि नहीं होता। इसके बाद ए का क्षेत्रफल यानी कि इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। अपान इसका जो एल लेंथ लंबाई का मात्रक होता है मीटर, होता है कि नहीं होता। तो इस मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये मात्रक निकल कर आ जाएगा ओम मीटर। क्या निकल कर आ जाएगा? ओम मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि आपको फिजिक्स में मात्रक ये मात्रक वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले से ही डेफिनेशन और फार्मूले से ही मात्रक। बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।